हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 रुपया वाला कैडबरी कंपनी का ओरियो बिस्कुट के बारे में, जो इस तरीके की पेटी आती है। दोस्तों कंपनी तरफ से होलसेलर के लिए अभी के टाइम पर इसमें स्कीम दिया है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जो होलसेल लेता है तो उसको कंपनी तरफ से क्या स्कीम मिलती है, और अगर कोई छुटक दुकानदार होलसेलर से 12 पीस, 6 पीस या फिर इस तरीके का कार्टून खरीदता है तो होलसेलर उसे क्या प्राइस में दे सकता है। तो आज दोस्तों मैं इसकी नई प्राइस बताऊंगा स्कीम के साथ। स्कीम से अगर हम खरीदते हैं तो क्या प्राइस में हमें पड़ती है। जो लोग होलसेलर होते हैं वो अगर स्कीम के हिसाब से खरीदते हैं तो उसको क्या प्राइस में पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम हर तरह की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों यह है दोस्तों कैडबरी कंपनी का ओरियो बिस्किट 10 रुपये वाला आता है, जो इस तरीके की पेटी आती है। तो दोस्तों इस पेटी के अंदर कुल पीस आते हैं 120, 10 रुपये वाले बिस्कुट इसके अंदर आते हैं, जो मैं आपको खोलकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह की का आता है दोस्तों पैकेट, जो एक पैकेट के अंदर आते हैं कुल 12 12 बिस्कुट आते हैं, और ऐसे पैकेट इसके अंदर आते हैं कुल 10 पैकेट ऐसे आते हैं, यानी कि कुल मिला के 120 10 वाले बिस्कुट इस कार्टून के अंदर आते हैं। अलग अलग टाइप की इसमें फ्लेवर आती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है, वेनिला आता है, पाइनएप्पल आता है, सैंडविच फ्लेवर आता है। दोस्तों जो रेगुलर सेल होती है वेनिला सेल होती है हर जगह पर। और दोस्तों पाइनएप्पल, सैंडविच और वेनिला में दोस्तों कंपनी तरफ से स्कीम है, स्ट्रॉबेरी में अभी स्कीम नहीं है। स्ट्रॉबेरी में जो पहले मिलती थी वही प्राइस में मिलती है, लेकिन वेनिला अगर आप लोग खरीदते हैं वेनिला फ्लेवर में स्कीम है अभी कार्टून पर, होलसेलर के लिए स्कीम रहती है, तो पहले से भी कम रेट में आज पड़ता है होलसेलर को। अब दोस्तों आप जो अगर रिटेल दुकानदार हो तो आप होलसेलर से जो पहले प्राइस लाते थे उससे आप कम रेट में आप होलसेलर दे सकता है। तो मैं कम से कम रेट आपको बताऊंगा, जो लोग रिटेल दुकानदार है उसको कितने में पड़ेगी, या फिर जो लोग रिटेल दुकानदार है लेकिन रिटेल में बेचते हैं कार्टून खरीदते हैं तो कार्टून उसको क्या रेट में पड़ेगा। तो हम दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटेल दुकानदार की, जो एक एक इस तरीके का पैकेट लेता है 12 पीस का, जो होलसेलर स्कीम के हिसाब से जो लेता है। तो वहां से अगर कोई रिटेल दुकानदार लेता है पूरा पैकेट है वो 104 के हिसाब से देता है, यानी कि एक जो बिस्कुट 10 रुपया जो आता है वो रिटेल दुकानदार को पड़ता है 8 रुपया और 66 पैसा में एक बिस्कुट उसको पड़ता है, यानी कि वो अगर 10 में सेल करता है तो 1 रुपया और 33 पैसे का मुनाफा एक बिस्कुट पर मिलेगा। अगर वो पूरा इस तरीके का पैकेट सेल करेगा तो उसको 16 रुपये का प्रॉफिट उसको मिल जाएगा रिटेल दुकानदार को, जो एक एक पैकेट लेते हैं उसको। अब वही दोस्तों रिटेल दुकानदार अगर रिटेल में सेल करने के लिए पूरी पेटी होलसेलर से खरीदता है तो होलसेलर ये इसे देता है 1030 रुपये में पूरी पेटी देता है, यानी कि एक जो पूरा पैकेट पड़ता है वो 103 के हिसाब से पड़ता है, 103 रुपये में वो पूरा पैकेट पड़ता है। यानी कि एक बिस्कुट की बात करें तो 8 रुपया और 58 पैसे में जो लोग पेटी खरीदते हैं उनको ये 8 रुपया और 58 पैसे में पड़ेगा। वो अगर इस तरीके का पैकेट सेल करेगा तो 17 रुपये का एक पैकेट में मुनाफा मिलेगा, पूरा पेटी अगर सेल करेगा तो 170 रुपये का मुनाफा उसको मिलेगा, जो लोग पेटी खरीदते हैं और रिटेल में सेल करते हैं उसको। अब दोस्तों होलसेलर की बात की जाए तो होलसेलर अगर 15 पेटी ऊपर अगर कोई खरीदता है तो कंपनी तरफ से डिस्काउंट मिलता है, यानी कि होलसेलर के लिए होता है। तो होलसेलर अगर 15 पेटी से ऊपर खरीदता है तो ये पेटी होलसेलर को पड़ती है 1015 रुपये में पूरी पेटी पड़ती है, यानी कि ये पैकेट जो पड़ता है वो 115 में एक पैकेट पड़ता है। तो ये अगर होलसेलर अगर पेटी सेल करता है, पूरी पेटी अगर कोई लेता है सेल करने के लिए, तो उसको ये 1030 में सेल करता है, यानी कि एक पेटी पर वो 15 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों इस तरीके की होलसेलर की और रिटेलर की इस तरीके से प्राइस रहती है। दोस्तों आज के टाइम का 2024 में ये नई स्कीम दिया है कंपनी तरफ से, और दोस्तों ये रेगुलर स्कीम नहीं रहती, कभी कभी इसकी प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर इसकी स्कीम रहती है, इसलिए मैंने आप लोगों को जानकारी दिया है इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो में अच्छी जानकारी मिली है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।